हाय, आई एम मुनीजा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे जनक की, और उसमें हमने देखा कि भाई अनिरुद्ध तो मतलब तड़प रहे हैं जनक के लिए, वो तो उनके बगैर रह ही नहीं सकते हैं। तो इस पे बात करते हैं। ये तो फिर से अंगूठी पहनाई गई है, फिर उनके बाद उनकी तड़प दिखनी शुरू हो गई है। अब तो झनक के लिए जो हम बोल रहे थे, है फीलिंग है फीलिंग है, आज तो बिल्कुल ही उन्होंने तड़प दिखा दी अपनी कि मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर वाली बात आ गई है। तो क्या कहोगे आप? यस, क्योंकि फेयरवेल चल रहा है ना, जनक इज गोइंग अवे। सो नाउ व्हेन दैट मोमेंट इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, अभी तक तो एटलीस्ट आप ये बोल सकते हो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात है कि शी वाज देयर इन द हाउस, ही आंखों के सामने थी, तो यू नो इट्स ओके, मतलब चलो ठीक है। बट नाउ दैट मोमेंट इज इंचिंग क्लोजिंग इन की ये कभी भी जा सकती है, एंड दैट इज वाई उनकी जो, आपने जैसे कहा करेक्ट वर्ड, उनकी जो तड़प है वो दिख रही है। जब वो बोल भी रही होती है ना अर्शी को लेके, या फिर कोई भी बात, ऐसे लेक्चर आप बोल सकते हो क्योंकि उसने भी लेक्चर वर्ड यूज किया है, जब उसने अर्शी को लेके इतनी बड़ी बात कही थी तो अनिरुद्ध को गुस्सा आया था, बिकॉज समहाउ ही वॉज ट्राइंग टू प्रोबेबली मेक हर सी और मेक हर अंडरस्टैंड वॉट हिज फीलिंग्स आर फॉर हर, एंड शी वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू इट। शी वॉज टेलिंग जो उनके लिए सही है, विच इज अर्शी इज the one who is going to marry him, right? तो उसके लिए उसका वो बोलना सही है। She's saying that आप उनको कभी भी hurt मत करना, क्योंकि जो लड़की होती है जो शादी करके लेके आ रहे होते हैं वो लक्ष्मी का रूप होता है, और लक्ष्मी जी को कभी भी इस तरीके से आप ये नाराज नहीं कर सकते। You shouldn't do that, you know? उसको जो सिखाया गया है उसने उस थॉट से उसने वो बात शेयर की, मगर अनिरुद्ध को वो बहुत ज्यादा बुरा लगा। अगर आप देखो तो ही वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड दैट शी इज टेलिंग समथिंग लाइक दिस, जबकि उनके बीच में इतना एक प्यारा सा मोमेंट अभी हुआ ही था, वेयर शी पुट द रिंग ऑन हिज फिंगर एंड देन अर्शी के बारे में क्यों बोल रही है, तो वो उस बात को लेके चिड़े। एंड आपने ये भी देखा कि ही सिटिंग अलोन एंड मतलब ऐसे अपने आप से बातें कर रहे हैं, ही इज टेलिंग दैट you know I can never forget her, I will never forget her and all that. So yes, unke feelings jo bhi the itne jo shayad unhone dabane ki koshish ki, jo baakiyon ke samne unhone jataya nahi, kabhi bhi bola nahi, finally it is coming out stronger than perhaps he anticipated, and this is exactly what everybody has been waiting for, kyunki agar feelings hai to usko express karo. It's an interesting precap, it's an interesting upcoming track, and isi ke chalte chalte hum ye bhi dekhenge ki you know Janak ki kidnapping ho jati hai when she reaches Kashmir, to a completely new track is going to start jahan pe shayad Janak aur Anirudh ka jo स्टोरी है वाकई में फ्लरिश करना शुरू होगा। सही सही, यस, इंटरेस्टिंग तो है, और देखना है क्या होता है, क्योंकि जिस तरह हमने पहले बात की थी प्रोमो पे कि इस तरह से किडनैपिंग भी आगे आने वाली है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा है कि काफी जल्दी दिखा दिया था उन्होंने वो चीज, एटलीस्ट इतना तो वेट कर ही लेते तो दिखाते, उन्होंने पहले से ही इस चीज को बता दिया तो लोगों को पता है कि आगे से क्या ही होने वाला है जब वो जाएंगी। तो एनीवेज देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह से, मतलब लग तो नहीं रहा कि आगे अभी मतलब जाने से पहले कुछ तो हमको ऐसा देखने को मिलेगा, कन्फेशन वगैरह नहीं, ये तो इनकी तरफ की फीलिंग्स तो समझ आ ही रही थी, और अब आगे देखते हैं जब ये सब होगा तो शायद इनका कन्फेशन भी देखने को मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है। एनीवेज, अगर आपको हमारा ये छोटा सा डिस्कशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर। Hi, this is Ashi Singh and you're watching me on Glitz Vision USA.